अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द लूसी पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइव पोएम्स। ठीक है, ये फाइव पोएम्स का एक कलेक्शन था। इंशाल्लाह वो हम सारी पोएम्स, जो फाइव पोएम है इसकी, उसका ये कलेक्शन है, तो उस इसको हम जो है वो जरूर जो है वो फाइव की फाइव पोएम्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लूसी जो है वो इन इन इनके कलेक्शन को जो है वो लूसी पोएम्स का जो है वो नाम दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे एक लूसी जो है वो करेक्टर है जिसको चार पोएम्स में तो उसके नाम के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है, लेकिन जो पांचवी पोएम है उसमें लूसी का नाम तो नहीं आया, लेकिन बातें उसी के बारे में जो है वो की जा रही है। तो लूसी जो है वो बेसिकली कहने के एक करेक्टर था। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा करेक्टर था, वो कैसा करेक्टर था उसके बारे में चले हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी जो फोर पोएम्स थी ना, लूसी पोएम्स जो चार थी, वो जो लिरिकल बैलेट जो है वो सेकंड एडिशन था उसमें ये सारी पोएम्स जो है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, चार पोएम्स इसकी उस लिरिकल बैलेट जो एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल के एक वर्क क्रिएट किया था, उसमें ये चार पोएम्स जो है वो पब्लिश तो हुई थी, लेकिन उसमें से एक पोएम जो है वो पब्लिश नहीं हुई थी। अच्छा, लूसी एज अ करेक्टर, अब लूसी को करेक्टर के तौर पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि लूसी जो करेक्टर है वो क्या है। तो लूसी के करेक्टर को जो है इसमें एक एम्बिग्विटी है, मतलब वेगनेस है, किसी को भी सही नहीं पता कि लूसी जो है वो कौन थी। सो क्रिटिक्स जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन इसके बारे में देते हैं। परहैप्स लूसी वॉज द इमेजिनेशन ऑफ पोएट, कि शायद वो पोएट की इमेजिनेशन थी, क्योंकि हमें हिंट मिलते हैं कि शायद ये जो है वो उसकी इमेजिनेशन पावर है जो उसको इन्वोक करती है और उसको फोर्स करती है कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके पोएट्री लिखे, शायद ये हो सकती है। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं कि ये एक सेक्सलेस करेक्टर है, मीन्स इसके करेक्टर का नहीं पता हमें कि वो मेल थी, फीमेल थी, या वो नेचर था, या वो क्या थी, कुछ भी था। ठीक है, कहते हैं कि ये एक सेक्सलेस करेक्टर है, ये हमें जो है वो कंफर्म नहीं है कि ये कौन थी, मतलब किसको जो है वो लूसी कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको जो है वो लूसी का नाम दिया है। अच्छा, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि लूसी जो है वो उनकी सिस्टर थी। ठीक है, और सिस्टर क्यों थी, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ हिज सिस्टर्स एंड इन हिज लाइफ ही हैड टू मच विजिट्स ऑफ ट्रैवलिंग विद हर सिस्टर डॉर्थी, तो उनको शायद उसने जो है वो लूसी का नाम दिया है। बहुत से क्रिटिक्स जो है वो ये भी कहते हैं कि शायद ये उनकी सिस्टर थी, लेकिन ज़्यादातर जो क्रिटिक्स कहते हैं कि लूसी जो है वो कौन थी, लूसी उनकी बिलवर्ड थी। क्या, क्योंकि ज़्यादा हिंट जो है वो हमें उनकी बिलवर्ड के मिलते हैं कि शायद लूसी उनकी बिलवर्ड थी। ठीक है, जिनसे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शादी ना हो सकी, या जिसके बारे में जो है वो उन्होंने बड़ी बहुत ज़्यादा बातें की, क्योंकि वो उसके लिए प्योरली लविंग वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें ऐसे लगता है कि शायद ये उनकी बिलवर हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी डॉटर थी। डॉटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी एक डॉटर जो है वो कह लें कि फोर्थ हो गई थी, जिससे जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इनकी पोएम्स में ना हमें बार बार जो लूसी की मौत है ना, या लूसी का जो मरना है, उस कैरेक्टर की मौत के बारे में बार बार उसका जिक्र जो है वो आता है, इसलिए इसको जो है वो एसोसिएट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर के साथ कि शायद ये उनकी डॉटर थी। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसे नेचर का नाम भी देते हैं कि शायद लूसी जो है वो उनके लिए एक नेचर का करेक्टर है, क्योंकि वो नेचर को भी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ एक लिविंग करेक्टर जो है वो समझते थे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रिटिक सेज दैट दैट इट वाज अ नेचर। ठीक है, सो ये जो है वो क्रिटिक्स की राय है, और ये लूसी पोएम्स इसका इंट्रो जो है वो हो गया। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लूसी पोएम, शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। ठीक है जी, के वो जो है वो अनजान रस्तों पे रहती थी। अनट्रॉडन वेज वो होते हैं जहाँ पे लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। ठीक है, मतलब जो यू कैन से दैट इट इज द काइंड ऑफ अ रिमोट एरिया, जहाँ पे लोग जो है वो बहुत कम जाते हैं,
वहां पे जो है वो उन रस्तों पे जो है वो लूसी का घर था वहां पे वो रहा करती थी, ठीक है। मींस ये इसकी जो फर्स्ट लाइन है यही इस पोएम का जो है वो टाइटल है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी हमें मिलेंगी कि उनमें जो है वो, जैसे हमने कल एक पोएम पढ़ी थी तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम, इसको बाद में जो है वो डैफोडिल का टाइटल दिया गया, लेकिन इसका पहले जो टाइटल था वो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड था, ठीक है। लेकिन इसी तरह की ये भी जो है वो पोएम है, बल्कि इसकी जो पांचों पोएम है उनकी जो फर्स्ट लाइन है ना वही उसका टाइटल जो है वो मानी जाती है, ठीक है। उनको उसी से नाम से जो है वो एड्रेस किया जाता है। तो अच्छा, अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये पोएम जो है वो अनट्रॉडन वेज जो है वो क्या है। अनट्रॉडन वेज बेसिकली मैंने आपको बताया कि रिमोट एरियाज को जो है वो बोला जाता है, जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, बंजर, जिनको कहते हैं ना बंजर रास्ते, जहाँ पे कोई लोग जो है वो ज्यादातर नहीं जाते, उनको अनट्रॉडन वेज जो है वो बोला जाता है, जो यहाँ पे जो है वो लोनलीनेस को जो है वो शो कर रहे हैं, ये चीज जो है वो शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस पोएम में ये बेसिकली पोएम जो है वो है क्या। अच्छा, इट इज काइंड ऑफ एलिजी। एलिजी अगर मैं आपसे बात करूँ तो एलिजी जो है वो एक, कह लें कि हमारे उर्दू के लिटरेचर में एक टर्म यूज की जाती है, मर्सिया, ठीक है, जो किसी की वफात पे लिखा जाता है। आपने मर्सिये पढ़े होंगे, बुल्ले शाह ने अक्सर जो है वो, एक तो एलिजी जो है वो हमें उर्दू लिटरेचर में भी मिलती है। अच्छा, इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में भी एलिजी हमें मिलती है। फर्स्ट ईयर में आपने जो है वो एलिजी एक पढ़ी होगी, जो हाँ मेरे ख्याल से बुल्ले शाह ने ही वो लिखी हुई है अपने दोस्त की मौत पे, मुझे उसका नाम जो है वो मेरे ख्याल से याद नहीं है, लेकिन वो एलिजी है एक फर्स्ट ईयर की पोएम्स के कोर्स में। तो ये बेसिकली एलिजी एलिजी है। अब एलिजी होती क्या है? एलिजी मेरा पुत्र इस चीज़ को कहते हैं जो किसी की डेथ पे जो है वो लिखी जाती है, उसको प्रेज करने के लिए, उसको इन्वोक करने के लिए जो है वो लिखी जाती है, उसको हम मतलब मरहूम की याद में जो हम उसकी तारीफ में जो अशार लिखते हैं ना, उसको हम एलिजी का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक बैलेड भी है। बैलेड, अब ये इसको हमने क्यों कहा बैलेड, इज इट लाइक अ स्टोरी, कि इसमें एक जो है वो हमें स्टोरी बताई जा रही है, इसलिए हमने इसको बैलेड भी कहा। तो एलिजी और बैलेड ये पोएम दोनों है, ठीक है, दोनों की क्वालिटीज जो है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थीम्स के बारे में, कि इसमें कौन कौन से थीम जो है वो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें जो हमें थीम बताया गया है वो है डेथ का थीम, ठीक है, किसी की डेथ की बात हो रही है, इंसान को इस दुनिया को छोड़ के जो है वो जाना ही जाना है, ठीक है। नो वन स्टे फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड, कोई भी बंदा जो है वो इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इंसान को जाना ही है। उसके बाद लोनलीनेस है, किस तरह से जो है वो जब इंसान की जिंदगी तन्हा होती है और उसे कोई लोग जानते नहीं होते, तो किस तरह से उसकी जो जिंदगी होती है वो बड़ी बेरंग सी जो है वो गुजरती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट थीम आ रहा है इसमें वो है लव, द लव ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर लूसी, कि लूसी से जो है वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे और उसके लिए कितने ज़्यादा दुखी हैं, ये हमें लास्ट स्टैंजा में जो है वो पता चलेगा, ठीक है। सो उसमें जो है वो हमें जो है इनके लूसी से ये कितना प्यार करते थे। अच्छा, अब इसी मैंने आपको बताया ना कि कुछ क्रिटिक्स जो है कहते थे कि ये इनकी बिलवर्ड भी है, जिस तरह वो उसके लिए सैड हो रहे हैं और उसके छोड़ के जाने पर जो है वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, तो शायद ये उनकी बिलेवर भी हो। तो इसमें थीम ऑफ लव भी जो है वो हमें नजर आता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट थीम इसमें हमें नजर आता है वो है जी ट्रू ब्यूटी, जो जो ब्यूटी होती है ना उसके बारे में ये बात करें कि ट्रू ब्यूटी जो है वो क्या होती है, वो कितनी इनोसेंट होती है, कितनी उसमें सिंप्लिसिटी होती है, वो कितनी अट्रैक्टिव होती है। वर्ड्स के जरिए जो है वो हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो एक ब्यूटी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो औरत की ब्यूटी है, चाहे वो नेचर की ब्यूटी है, ठीक है, क्योंकि नेचर उनके लिए जो है वो एक लिविंग एलिमेंट है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि नेचर, इसमें नेचर के बहुत से एलिमेंट्स को जो है वो इसका जिक्र किया गया है, और इनकी जो ये जिसको ये लूसी बुला रहे हैं उसको भी बेसिकली कंपेयर किया गया है
नेचर की चीजों के साथ। कभी वो उसको फूल कह देते हैं, ठीक है। जैसे देखे यहाँ पे एक मेटाफर यूज किया गया है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर है ना, वॉयलेट, वॉयलेट जो है वो एक फूल को कहते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो उसे एक फूल से जो है वो उन्होंने एक फूल कह दिया, कहते हैं वो वायलेट का फूल है, ठीक है। आगे बाद में हम जो है इसका जिक्र करते हैं कि ये क्या फूल क्या होता है और ये कहाँ होता है, और जो भी चीजें होंगी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना इस इनको जो है वो कह लें कि एक यहाँ पे एक वर्ड आएगा, हाँ, फेयर एज अ स्टार। तो स्टार के साथ भी जो है वो इनको कंपेयर किया जा रहा है, लूसी को वो कंपेयर कर रहे हैं स्टार के साथ, ठीक है। अब वो इसमें थी ये क्या जो है वो बात बता रहे हैं, ये भी हम इंशाल्लाह जब पोएम स्टार्ट करते हैं तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लूसी को जो है वो कंपेयर किया गया है बेसिकली नेचर ऑफ एलिमेंट्स के साथ भी कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो इस कह लें कि जो बेसिक चीजें थी इसके बारे में वो मैंने आपको बताई है। अच्छा, इस पोइम के मूड के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोइम का मूड जो है, जो स्टार्ट होती है ना जब पोइम, तो तब तो बड़े सोबर मूड में जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब एक जो है वो बड़ी कह लें कि एक नेचुरल वे में जैसे बंदा बात कर रहा होता है ना उसी तरह बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके एंड वाले स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो पोइट है वो कितने ज्यादा सैड है, किस तरह अपनी जो है वो सैडनेस का इजहार कर रहे हैं, और उनके पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने द डिफरेंस टू मी लिख के उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिया, मतलब खौफ का इजहार किया, या जो है वो सरप्राइजनेस उनकी शो हो रही है या लॉस शो हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया, उसके आगे वो कुछ भी लिख नहीं पाए। जैसे इंसान जो है वो एक बात करते करते चुप कर जाता है और कहीं खो जाता है, इस तरह ये शायद खो गए हैं, और उसके आगे जो है वो बात करते करते रुक गए हैं, और उन्होंने उससे आगे जो है वो कोई लाइन ही नहीं लिखी, ठीक है, वहीं पे बात को जो है वो खत्म कर दिया। तो ये भी हमें चीज जो है वो नजर आती है। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज और, कि ये पोएम जो है वो हमें, इसमें हमें ट्रू रोमांटिक जो इवेंट्स थे, मतलब एलिमेंट्स थे उस एज के, वो भी हमें नजर आते हैं कि किस तरह उन्होंने नेचर को जो है वो इस पोइम में दिखाया है, ठीक है, किस तरह वर्ड्स के जरिए जो है वो नेचर को जाहिर करने की कोशिश की है। इसको हम ट्रू रोमांटिक पोइम भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि रोमांटिक एज के सारे एलिमेंट्स इस पोइम में हमें मिलते हैं, कि किस तरह इंसान को जो है वो नेचर के बारे में जो है वो बताया जाता था और नेचर की चीजों के साथ कंपेयर किया जाता था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसके फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो इसमें हमें बता रहे हैं एक लड़की के बारे में, ठीक है, जिसको शायद उन्होंने सॉरी लड़की है या जो भी है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो क्योंकि क्रिटिक्स के मुताबिक तो हमें इसका जो है वो जितने क्लू मिले मैंने आपको बता दिए, तो हमें नहीं पता कि वो लड़की है या क्या है जो भी है। तो उसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं कि वो जो है वो एक ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब अनट्रॉडन वेज है, अनट्रॉडन वेज रिमोट एरिया है, वो वहाँ पे जो है वो शायद अकेली रहती है, ठीक है। और उस एरिया के बारे में बताया जा रहा है, डव का वर्ड जो है वो यूज किया गया है, तो डव बेसिकली ये एक लेक है जिसके करीब वो रहती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके प्रोफेशन के बारे में भी बताया जा रहा है, और ये सारी चीजें जो है वो बताई जा रही है। पोएम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, कहते हैं शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, वो रहती है। अब यहाँ पे देखें शी का वर्ड उन्होंने यूज किया, शी, तो इससे हमें पता चल रहा है दैट इट इज पॉसिबिलिटी दैट ही शी वाज अ गर्ल, तो वो एक लड़की थी और शायद उनकी जो है वो बिलवर थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कहते हैं शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, वो जो है वो अनट्रॉडन रस्तों में रहती है। अनट्रॉडन मीन्स वो रिमोट एरिया में रहती है, लोनली, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता वहाँ पे वो रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लोगों का, बहुत कम लोगों का आना जाना है उस एरिया में जो है वो रहती है अकेली तन्हा, बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, ठीक है। अब डव जो है बेसिकली इट इज द नेम ऑफ अ नेम ऑफ अ एरिया, ठीक है, कि इस एरिया का जो है वो नाम बताया जा रहा, कहते हैं जो डव लेक है ना, ठीक है, उसके करीब जो है वो ये रहती है, बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव। अच्छा, अ मेड,
कहते हैं वो एक मेड का काम करती है, जो मेड घरों में जाके काम करती है ना उनके बारे में, वो है मतलब इसका प्रोफेशन जो है वो मेड है, जो लोगों के घरों में जाके काम करती है। तो लोग जो है वो बेसिकली उनको बहुत ज्यादा प्रेज नहीं कर रहे होते और बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, उनको ज्यादातर जो है वो कीड़े मकोड़े समझा जाता है, मतलब चाहे वो खूबसूरत भी हो या जो भी हो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। कहते हैं अ मेड हुम देयर वर नन टू प्रेज, कहते हैं वो एक ऐसी मेड मेड है जिसको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, जिसको जिसकी कभी किसी ने कोई तारीफ नहीं की। अब अमूमन देखे तो हमारे घर में भी जो मेड्स काम करती है कभी हमने उनको जो है वो प्रेज नहीं किया, हालांकि वो जितना मर्जी अच्छा काम करे हम उनको जो है वो इतनी अहमियत नहीं देते। इसी तरह इसको भी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। एंड अ वेरी फ्यू टू लव, कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको प्रेज करते हैं, जो उसको चाहते हैं, ठीक है, या शायद पोइट ही उसको चाहते हैं। बहुत कम का मतलब हम यहाँ पे एक बंदा ही ले सकते हैं, एक बंदा भी ले सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो उसको चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं या उसको प्रेज करते हैं, ठीक है। ये इस फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो हमें एक आइडिया दिया जा रहा है कि मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है और जहाँ वो रहती है उस एरिया के बारे में बताया जा रहा है और उसकी ज़िंदगी क्या है। उसकी ज़िंदगी में अकेलापन ही है, बिल्कुल अकेले रहती है, अनट्रॉडन वेज पे रहती है, ठीक है, एक बैरन कह लें कि आप वो है अर्थ जहाँ पे वो रहती है, बंजर जमीन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे रहती है, रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई किसी का जो है वो इतना ज्यादा आना जाना नहीं होता। अच्छा अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो हमें बताते हैं अ वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन, ठीक है। अब वॉयलेट क्या होता है, वॉयलेट जो है वो एक फूल का नाम है, ठीक है। अब ये फूल जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि पत्थरों में जो है वो, पत्थरों में भी जो है वो कुछ फूल जो है वो उगते हैं, ठीक है। अब इस फूल का एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फूल होता है, मेरे ख्याल से वो जो क्या कहते हैं जिसको हम वो माई बुटी जैसी क्या होते हैं, वो जो काई एक लगी होती है और उसके ऊपर जो है वो एक वाइट कलर का जो है वो जैसे सिल्क टाइप जो है वो फूल लगा होता है, शायद मेरे ख्याल से उसी फूल को जो है वो कहा जाता है। लेकिन वो फूल जो है वो उसके जो स्टोन होते हैं ना, मतलब जो पत्थर होते हैं माउंटेन्स में ये उगता है, तो कहते हैं कि वो पत्थर जो होते हैं उसके वो जो कहते हैं ना कि उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा जो है वो काई जिसको हम बोलते हैं वो लगी होती है, और वो काई जो है वो उस फूल को जो है वो छुपा देती है, वो जो बड़ी बड़ी काइयाँ होती है जो किसी को नजर नहीं आता, तो वो भी कुछ इसी किस्म की इसी तरह की जो है वो बात कर रहे हैं। कहते हैं अ वॉलेट बाय अ मोजी स्टोन, वो क्या है, एक वॉलेट का फूल है, ठीक है, बाय अ मोजी स्टोन। मोजी स्टोन वो जो है वो पत्थर को ही कह रहे हैं, कहते हैं जो फूल पत्थर में पत्थरों में उगता है और उसको जो है वो मोजी जो है वो उसने घेरा होता है, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी काइयां होती है उन्होंने घेरा होता है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, और वो लोगों को जो है वो नजर नहीं आता, वो छुपा हुआ होता है, मतलब वो काई जो होती है लंबी लंबी उससे फूल जो वो होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे हमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं कि वो जो फूल है वो जो लूसी है, ठीक है, एक फूल की तरह है, लेकिन उसको जो है वो लोगों ने उसकी खूबसूरती को जज नहीं किया, उसकी खूबसूरती को देखा ही नहीं, ठीक है, किस तरह से वो जो काई होती है एक फूल की खूबसूरती को छुपा देती है, इसी तरह लूसी की भी जो खूबसूरती है वो लोगों से छुपी हुई है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसकी खूबसूरती को देखा, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं रहती है जो एक रिमोट एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ वो सिंबल्स भी यूज कर रहे हैं, चलो मैं सिंबल्स जो है वो मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से सिंबल उन्होंने जो है वो यूज किए हैं, ठीक है। वॉलेट का सिंबल ही जो है वो उसकी खूबसूरती अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, एक फ्लावर उससे जो है वो उसको तशबीह दी जा रही है, ये भी एक सिंबल जो है वो यूज किया गया है। अच्छा अब आगे क्या बात करते हैं, कहते हैं फेयर एज अ स्टार, वो एक सितारे की तरह फेयर है। फेयर अब यहाँ पे एक ये भी सिंबल यूज किया गया है, फेयर एज स्टार मीन्स ये भी उसकी खूबसूरती को बताया जा रहा है, उसकी इनोसेंस को बताया जा रहा है, उसकी चेस्टिटी को बताया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को बताया जा रहा है, सिंप्लिसिटी को
बताया जा रहा है। कहते हैं फेयर एज स्टार, स्टार की तरह वो फेयर है, ठीक है, जैसे गोरी रंगत होती है ना, उस चीज को बयान किया जा रहा है। व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, कहते हैं और वो एक ऐसा स्टार है जो सिर्फ अकेला, जो अकेला आसमान पे हमें चमकता हुआ नजर आ रहा होता है रात के वक्त, ठीक है। रात के वक्त कुछ ऐसे सितारे भी होते हैं जो अकेले चमकते हुए नजर आते हैं, और जब हम आसमान पर नजर डालते हैं तो हमारी जो नजर होती है वो अक्सर उन सितारों पर पड़ती है वो जो एक साथ होते हैं और ज्यादा होते हैं। जो इस तरह के सितारे होते हैं अकेले बिल्कुल होते हैं और चमकदार होते हैं, उन पर बहुत कम नजर जाती है, शायद कुछ लोगों की जाती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हम ज्यादा सितारों को जो है वो मेजोरिटी देखना पसंद करती है जहाँ पे ज्यादा सितारे हो। तो कहते हैं वो एक ऐसा सितारा है जो बड़ा फेयर है और आसमान पे जो है वो अकेला चमकता होता है, ठीक है, मतलब उससे जो लोग है लोग उस पर जो है वो ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो अननोटिस्ड रहता है, ठीक है, मतलब लोग उसे नोटिस नहीं करते, वो जो खूबसूरत सितारा होता है वो अननोटिस्ड रह जाता है। अक्सर आपने देखा होगा आसमान के ऊपर एक चमकदार सितारा जो होता है, उसी की बात वो कर रहे हैं। तो उसको जो है वो लूसी को वो एक सितारे से भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कह रहे हैं कि वो एक चमकदार सितारे की तरह है आसमान पे जो अकेला चमकता है, लेकिन लोग उसे अननोटिस छोड़ देते हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब इस पोइम का जो लास्ट स्टैंजा है वो जो है वो एक बड़ी सैड टोन जो है वो हमें नजर आ रही है। कहते हैं शी लिव्ड अननोन, कहते हैं इसी तरह उसने सारी जिंदगी गुजार दी। कैसे जिंदगी गुजार दी? बिना किसी को, उसको किसी ने जाना ही नहीं। शी लिव्ड अननोन, कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई उसे जानता नहीं था, उसने इसी तरह सारी जिंदगी जो है वो गुजार दी। एंड अ फ्यू कुड नो, कहते हैं उसे बहुत कम लोग जान पाए। व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, अब सीज्ड का वर्ड जो है वो इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वर्ड डेथ, ठीक है, कहते हैं बहुत कम लोगों को पता चला जब उसकी मौत हुई, ठीक है, जब लूसी मरी तो बहुत कम लोग जो है वो इस खबर को जो है वो जान पाए कि लूसी जो है वो मर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें जो है वो बहुत कम लोग जो है वो हमें अ फ्यू का वर्ड जो है वो बता रहा है कि शायद सिर्फ पोएट को ही पता था कि लूसी जो है वो मर चुकी है। कहते हैं बहुत कम लोग जो है वो उसकी मौत के बारे में जान पाए। बट शी इज इन हिज ग्रेव, कहते हैं अब वो अपनी कब्र में है, ठीक है। एंड ओ, अब यहाँ पे ओ का वर्ड जो है ये पोएट की सारी फीलिंग्स को जो है वो ये ओ का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ओ हम तब प्रोनाउंस करते हैं जब व्हेन वी यू कैन से दैट फील वेरी सैड, ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है किसी चीज का तो फिर हम ओ का वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। द डिफरेंस टू मी, कहते हैं ओ, अब देखें द डिफरेंस टू मी के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इससे आगे जो है वो पोएम जो है वो चली गई। शायद उसकी डेथ का उन्होंने जब नाम लिया तो शायद उनके अल्फाज ही खत्म हो गए कि इससे आगे भी मैं कोई चीज लिख, कहते हैं और ये चीज जो है ये जो उसकी मौत है कि वो अब कब्र में है, वो मर चुकी है, ठीक है, अब वो मेरे साथ नहीं है, ये चीज जो है ये मुझे बहुत ज्यादा हिट करती है, मुझ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, मुझे दुखी कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो पोएट हमें समझ आ रही है कि शायद पोएट का जो है वो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है कि वो लूसी को, जब से उन्होंने लूसी को खो दिया है, ठीक है, लूसी उनकी लाइफ में नहीं रही तो उनकी लाइफ में शायद कोई जो है वो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। जब जाहिर सी बात है जब कोई चाहने वाला हमसे जो है वो बिछड़ जाता है तो हम जो है वो जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो किसी तरह की हमारी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो हम भी जो है वो जाहिर सी बात है ह्यूमन बीइंग है, हमें भी फीलिंग्स हैं, हम भी लव करते हैं, हम भी जो है वो दूसरों को जो है वो दूसरों के लिए इस तरह की फीलिंग्स जो है वो रखते हैं। तो हम बेटर समझ सकते हैं कि पोएट जो है जब कोई चाहने वाला छोड़ के किसी को चला जाता है तो कोई जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो दुखी हो जाता है, ठीक है। सो पोएट जो है यहाँ पे अपने लॉस को भी जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि अब वो चली गई है, अब तो मेरी लाइफ में जो है वो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। सो आई एम लॉस्ट, उसकी सोचों के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई चीज़ जो है वो नहीं रही। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं
इसके जो है वो सिंबल्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सिंबल जो है वो यूज किए गए हैं। थीम भी हमने इसमें डिस्कस किया, इसकी स्टोरी भी हमने डिस्कस कर ली। अब थीम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अनट्रॉडन लोनलीनेस को जो है वो जाहिर कर रहा है कि किस तरह इंसान की जिंदगी में जो है वो लोनलीनेस होती है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद डव का सिंबल इनोसेंट जो है वो इनोसेंस को जाहिर कर रहा है, सिंप्लिसिटी को जाहिर कर रहा है, प्योरिटी को जाहिर कर रहा है डव। ठीक है, डव जो है वो एक इनोसेंट बर्ड को भी हम कहते हैं, जैसे वो फाख्ता होती है उसको भी कहा जाता है, और कबूतर को भी हम जो है वो इनोसेंट जो है वो इसका जो है वो देते हैं नाम इनोसेंट का। ठीक है, तो इसलिए वो डव का वर्ड जो है वो यूज करें, और डव जो है वो एक एरिया भी है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी वॉलेट, एक फूल से उसको कंपेयर किया गया है। अब फूल जो है वो बेसिकली उसकी ब्यूटी को जो है वो बढ़ाने के लिए, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो एज अ सिंबल यूज किया गया है। उसके बाद फेयर एज स्टार, ये भी मैंने बताया था कि फेयर किस तरह नेचर के एलिमेंट्स के साथ उसको जो है वो कंपेयर किया गया है, और उसकी ब्यूटी को बताया गया है इसके जरिए कि वो स्टार की तरह जो है वो फेयर है, खूबसूरत है, लेकिन कोई भी उसे देखने वाली आंख नहीं है। बहुत कम लोग जो है वो उसे जानते थे। लोग ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं, लोग ब्यूटीफुल चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं देते, नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक इतनी खूबसूरत चीज़ हो और उसको देखने वाला कोई ना हो तो उस खूबसूरती का फायदा क्या। ठीक है, उसके बाद इसमें तो शायद मेरे ख्याल से कोई सिंबल बताने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी सिंपल बात की गई है। सो ये पोइम जो है मेरा पुत्र यहीं तक है। आप इसका जो है ये जो नीचे क्रिटिकल एनालिसिस दिया गया है इसको भी आप रीड करिएगा। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही है। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर।